मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी लेगी, ये नाक भी रगड़ेंगे तब भी नहीं आ सकते हैं। और ये अब इन पे दबाव इसलिए आ गया है हिमांशु जी जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी झूठ बोल के भाग जाती है। पर लाखेड़ा साहब, ये तो काबिलियत की निशानी है। ये शुभेंदु अधिकारी है ना, वो भी शारदा स्कैम के मामले में एक्यूज थे, तो भाजपा का हिस्सा बन गए, तो इसीलिए तो इन लोगों को कहने का मौका मिलता है। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि इस मामले में चूंकि वो आरोपी हो गए हैं तो भाजपा में जगह नहीं? थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड सवाल पैदा कर रहा है। मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं हिमांशु जी, जिस तरह ये झूठ इन्होंने ये बोला है, ऐसे इन्होंने स्वर्गीय जेटली जी और गडकरी जी के लिए बोला था। और जब कोर्ट की फटकार पड़ी तो इन्होंने कोर्ट में जा करके माफी मांगी है, माफी मांगी है अरविंद केजरीवाल जी ने, मुझसे गलती हो गई। ऐसी जितने ये झूठ बोलते जा रहे हैं इसका भविष्य में ये माफी मांगेंगे, भविष्य में ये माफी मांगेंगे। सतीश लाखेड़ा जी के पास में असल में दलील देने का बहुत ही जायज कारण है। आपने दावा तो कर दिया मुझे प्रस्ताव मिला, पर किससे मिला इसके संदर्भ में मौन व्याप्त है। और जब तक ये मौन व्याप्त है तब तक भारतीय जनता पार्टी के पास हमलावर होने का पूरा कारण है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए नरेंद्र कुमार जी फिर आपके पास रुक कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके शीर्षस्थ नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया ने अपने दावे के बाद पूरी पार्टी को संकट में ला दिया है, आप जैसे सुधीर प्रवक्ताओं को भी संकट में ला दिया है? बोल तो दिया ऑफर है, पर किससे है, क्या है, इसके संदर्भ में चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी चुप्पी आप सबके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्य की बुनियाद पे बनी है और सत्य की बुनियाद पर ही आगे बढ़ेगी। और जो मनीष जी ने कहा है उसका एक एक शब्द सत्य है और ये सत्य बहुत जल्दी सबके सामने आ भी जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं जैसा कि मनीष जी ने पर कहा। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्यों नहीं आ रहा, किस बात से डरे हुए हैं या कौन सी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए आप इतना कुछ सुनने के लिए बात दें? बताइए सतीश जी, क्या कुछ आपके लिए नहीं बोल दे रहे? बताइए कैसा कौन सा सवाल है जो मैं आपसे नहीं कर ले रहा? आप और आपके बाकी साथी बाकी भी चैनल पे जा रहे होंगे, सब यही सवाल कर रहे हैं। तो किस लिए इतना सुनने के लिए आप लोग मजबूर हो रहे हैं? थोड़ा इसमें बताइए ना, क्या है जिसके चलते आप अपने आप को संदेह के दायरे में रखने के लिए तैयार है पर सत्य बताने के लिए तैयार नहीं है? क्या मजबूरी है ऐसी, क्या बेबसी है, क्या लाचारी है? सत्य बता दिया गया है। आप शुभेंदु अधिकारी से जानिए कि उनको किसने ज्वाइन कराया था, आप हेमंत विश्व शर्मा से जानिए कि उनको किसने ज्वाइन कराया था, उनपे चल रही जांचें कैसे बंद हो गई, उनकी सीबीआई ईडी अब धीमी जांच कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य गुजरात में जो जहरीली शराब बन रही है उनकी ईडी धीमी जांच कर रहा है, इसमें सवाल है ना। मोदी दीदी सड़क का उद्घाटन, नरेंद्र जी तो दलील ऐसे दे रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया जी भाजपा ज्वाइन कर तभी देख लीजिएगा प्रस्ताव किसका था। अभी तो हम नहीं बताएंगे कि प्रस्ताव किसका था, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो इस चर्चा की वो यह है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार शराब नीति के मसले पर सवालों के घेरे में, इसमें तथ्यात्मक बात करने के स्थान पर इन आरोपों के माध्यम से बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश शायद ही सिरे चढ़ पाए। मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ी बात आज सुबह बोली है, जरूरत इस बात की है कि वह इसके संदर्भ में आवश्यक तथ्यों को तुरंत सार्वजनिक करें। अगर वह तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे तो अपनी भी साख बरकरार रखेंगे और साथ ही अपनी पार्टी की साख को भी बढ़ाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भले ही वो अपने आप को राणा प्रताप का वंशज कहलाएं पर राणा प्रताप जैसा यश तो नहीं पाएंगे। देखें कि क्या अपनी पार्टी और स्वयं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए मनीष सिसोदिया सत्य के साथ जनता के सामने आएंगे। इंतजार रहेगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जिस प्रकार की बात मनीष सिसोदिया जी ने कही उसको लेकर सियासत में बड़ा अविश्वास का वातावरण रहता है और इस अविश्वास को लेकर ही एक कवि ने लिखा कि कबीरा इस देश में भांति भांति के लोग, कबीरा इस देश में भांति भांति के लोग झूठ बोल आते सत्ता में, यह अजब संजोग। राजेश पटेल ने यह बात कही थी। राजनीति में लोग सत्य की अपेक्षा रखते हैं। आम आदमी पार्टी इस देश में बड़ी उम्मीद का प्रतीक रही है पिछले एक दशक से। अब ऐसे नाजुक मसले पर वह सत्य को सामने लाने के संदर्भ में अगर संकोच करेगी तो वह लोगों को निराश करेगी। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह जो कुछ कहें उसके संदर्भ में आवश्यक प्रमाण भी साथ में रखें।
भाजपा के तथाकथित प्रस्ताव के संदर्भ